और दुनिया में दो लोगों की आंखें बहुत खराब हैं, एक कोबरा की और एक अवध ओझा की। अगर बड़ा बनना है तो बकैती को अपना सिद्धांत बना लो। डीके से क्या डरना, बड़ा सोचो और बड़ी बड़ी बातें करो। व्यक्तित्व पर ध्यान दो, शक्ति अर्जित करो, क्योंकि गटर से तो बदबू ही निकलेगी ना। मैंने अपनी जिंदगी में किसी को माफ नहीं किया और मेरे बारे में जो भी आदमी आपको बता रहा हो सब सही है। मैं भगवान का श्राप हूं और तुमको अगर कोई कुछ कह नहीं रहा है तो तुम मरे हुए हो। लड़ाई जब भी हो 1000 करोड़ से नीचे की नहीं होनी चाहिए। अब यही सब मैं कह देता हूं तो मरे लोग तुरंत 1000 करोड़ कह रहा है। मैं आपसे बार बार कहता हूं, अगर बड़ा बनना है तो बकैती को अपना सिद्धांत बना लो। ये इतने शाही लोग तुम्हारे अगल बगल है, तुम्हारा बड़ा मजाक उड़ाएंगे। ये पोस्ट मास्टर का बेटा, हमको लोग कहते थे कि बाप अंधेरे में मर गया, लड़का पावर हाउस लिया भाग है। और उस विचारों ने मुझे यहां तक पहुंचाया और दौर जारी है। उन विचारों ने, इनहेरेंट विचार, इनहेरेंट अंदर हंसो अपने तरफ। तो बहुत कहावत है, खाएक ठीक नहीं नहाएक तड़के। मैं जब शुरू में दिल्ली आए तो और पिताजी से कहा, किसी ने पूछा कि तो हाँ लड़कवा दिल्ली में कहां रहा थे, कहीं नहीं यार रहा थे, कहीं ना कहां रहा थे, कहीं वही राष्ट्रपति भवन में रहा थे, सुना है 300 कमरा है, तो गवा तो राष्ट्रपति, कहीं आओ अवध ही रहो। कहीं यार तू वो तो हर लड़का, कहीं तो कहा करे पूछा तो यार कहूँ रहते हो, कहाँ पता हम मैं कहाँ रहा थे। बड़ा सोचो और बड़ी बड़ी बातें करो। और अगल बगल वाले जो कह रहे हैं ये कल सजदा करने आएंगे, ये कल सजदा करने आएंगे, सजदा जो आज तुम्हारी शादी नहीं कर रहे हैं, तुम्हारी शादी के बाद दोबारा शादी करने आएंगे तुमसे कि दोबारा कर लो भैया, बड़े मने ही तो दुई दुई तीन तीन मेहरारू राखत है। इस समाज की क्यों चिंता करते हो तुम? 2 लाख की जैकेट पहने एम्पोरिया आर्मानी, खोखले हैं अंदर से। हाँ भैया हमारी ट्रॉलिंग हो गई भैया, होने दे भाई ट्रॉलिंग, होने दे ट्रॉलिंग। डीके से क्या डरना, डीको से क्या डरना, डीके खतरनाक होते हैं कभी कभी, पर डीको से क्या डरना। देसी कुत्ता कर रहे थे, करो बस ट्रॉलिंग करो, जितना करना करो। अब मुझे जो जानने वाले पुराने लोग हैं, जो मेरा अंगुलीमाल वाला रूप जानते हैं और सही जानते हैं, आज ही मेरे एक मित्र हैं बैठे, उनसे बात हो रही थी, कहीं फलाने आए थे, बहुत आपको गालियां कह रहे थे कि, मैंने कहा सही दे रहा है, कुछ गलत नहीं बोल रहा, देखा है मुझको, रहा है मेरे साथ। पैसा कमा लेना एक अलग चीज होती, पढ़ना पढ़ाना मैंने कहा वो सही कह रहा है, गलत तो कुछ भी नहीं कह रहा है, और मेरे बारे में जो भी आदमी आपको बता रहा हो सब सही है, जो गलत बता रहा, गलत जितनी बार बता रहा वो सब सही है। अच्छाई आपको दिखाई पड़ती हो तो कोई बात ही नहीं। मैं तो अपने गुरु भगवान का अंगुलीमाल हूं, बस ये सब समझ में आ गया। आशीर्वाद, ध्यान है प्रयास, उपलब्धि है प्रसाद। ध्यान आपको प्रयास करना पड़ेगा, ध्यान मतलब प्रयास कि प्रभु मैं प्रयास करूंगा, और उपलब्धि है प्रसाद। ये जो मंदिर में लड्डू अड्डू बटता है ये छोटा मोटा प्रसाद है, असली प्रसाद है विवेक का जगना, ये गुरु का प्रसाद है। नहीं तो आवा दोझा की औकात थी गीता पढ़ाने की, वो गुरु भगवान सवार हो जाते हैं यहां पे आगे। आपको लगता है मैं बोल रहा हूं, वो कहता ना 3 इडियट में कि बोल ये रहे शब्द हमारे, आपको ऐसा लगता होगा। ये विवेक देना गुरु का काम है। मैं जब गया छत्तीसगढ़ और जब गुरु भगवान ने कहा कि जाओ तुम गीता स्वामी, आज से 2 साल पहले, तो मैं बड़ा, मैंने कहा यार
ये प्रसाद उन्होंने दिया, इसलिए जितने लोग मेम्स बनाते हैं अंगोछे को उड़कर, उनसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, मेम्स बनाओ जो मन चाहे बनाओ, अंगोछा मत डाला करो यार, ये गुरु का प्रसाद है, नहीं तो तुमको भारत रत्न दिलाऊंगा। पक्का भारत रत्न दिलाऊंगा, निश्चित दिलाऊंगा। कहीं भी रहोगे तुम, गैलेक्सी चेंज कर चुके होगे तो भी दिलाऊंगा, पर भारत रत्न दिलाऊंगा जरूर। हमारे बहुत सारे मित्र हैं, मीम्स बनाते हैं इस गमछे को डालकर, तो मैं उनसे निवेदन कर रहा हूं कि ये गुरु का आशीर्वाद रूपी गमछा है, आप मेरे ऊपर बनाइए जो कुछ भी बनाना है, आप जैसा भी जो करना है करिए। और जितने लोग लाइव हैं, कम से कम लाइव रहा करिए तो गाली मत लिखा करिए, उसके बाद लिखा करिए, क्योंकि जो साहब बैठ के यहाँ चलाते रहते हैं वो बड़े विचलित होते रहते हैं, जैसे गाली दे दिया है, डर जाते हैं बेचारे। लेकिन आप लिखा करिए, कोई दिक्कत नहीं, खूब गाली दिया करिए, लेकिन जब शो खत्म हो जाए तब लिखा करिए गाली, और खूब लिखा करिए एक एक पैराग्राफ, क्योंकि गटर से तो बदबू ही निकलेगी ना, गटर से खुशबू कहाँ आएगी, गटर जब भी खुलेगा तो उसमें से बदबू ही आएगी, सब नियम है। तुम पे लोग अब तो लोग मेम्स बनाते हैं ना, बड़ा उल्टा सीधा बनाते हैं, बहुत सारे लोग हमको भेजते हैं, ये देखिए सब आपके ऊपर बना रहे हैं, बनाने तो यार इसी बहाने उनका जीवन चला, कुछ भी बनाओ, पर जितने लोग बना रहे उसमें से पहली बार जो सामने पड़ जाएगा उसको भारत रत्न तो जरूर दिलवाएंगे। मैंने अपनी जिंदगी में किसी को माफ नहीं किया, किसी को भी नहीं, और दुनिया में दो लोगों की आंखें बहुत खराब हैं, एक कोबरा की और एक अवध ओझा की। जिसको यहां बैठा लिया ना, उसको कब्र से खोद कर लाएंगे भारत रत्न दिलाने के लिए, भारत रत्न दिलाएंगे जरूर। किसी भी आसमान पर बैठा होगा, दूसरे आसमान, तीसरे आसमान, चौथा आसमान, पांचवां आसमान, सातवां आसमान, उसको बुलाकर और भारत के राष्ट्रपति से भारत रत्न दिलवाकर उस शॉल वॉल उड़वाकर तभी भेजेंगे, जाने नहीं देंगे। क्योंकि एक बात पर तो मैं क्लियर हूं, फॉरगिवनेस इज द क्वालिटी ऑफ गॉड एंड आई एम नॉट गॉड। मैं जीसस क्राइस्ट का फॉलोअर नहीं हूं, आई एम द सन ऑफ गॉड, नो मैं चंगेज खान का फॉलोअर हूं, आई एम द स्करेज ऑफ गॉड, मैं भगवान का श्राप हूं। भारत रत्न तो दिलवाएंगे जी, पद्मश्री से भी काम नहीं चलाएंगे, अर्जुन अवार्ड तो मतलब ही नहीं, भारत रत्न इतना सम्मान दिलवाएंगे, सम्मान। क्योंकि अगर तुम नहीं होते तो मेरे अंदर पर डे जज्बा नहीं पैदा होता लड़ने का। आम आदमी को जब कोई चिढ़ाता है तो डिप्रेस होता है, मुझे जब कोई चिढ़ाता है मैं और आक्रामक हो जाता हूं। एक आम आदमी के लिए गाली दुख है, मेरे लिए ऑक्सीजन है। पढ़ने के लिए मत पढ़ो, सीखने के लिए पढ़ो, व्यक्तित्व पर ध्यान दो, शक्ति अर्जित करो और आसमान तक नजर दौड़ाओ। और ये सब अगल बगल इतना ध्यान मत दो, ये ऐसे कर रहे थे फलाने ऐसे, वो हमको गाली दे रहे थे, देने दो, छत पे बंधे हुए कुत्ते के गाली देने का क्या फर्क पड़ता है। तुम सड़क से जा रहे हो, कुत्ता छत पे बंधा हो तुम्हारे ऊपर भौंक रहा है, तुम उसको देख के मुस्कुरा ही सकते हो। और तुमको अगर कोई कुछ कह नहीं रहा है तो तुम मरे हुए हो। कभी शमशान में जाके बैठो और जो डेड बॉडी के साथ लोग आते हैं उनसे पूछो कि भैया कैसे आदमी था, कहेंगे भैया बहुत बढ़िया था, भले ही चोर ही क्यों ना आओ जीवन में, बढ़िया था भैया, चोरी करता था, कभी कभी मोहल्ले वालों को बीड़ी पिला देता था भैया। मरे हुए लोगों की कौन बुराई करता है, तुम्हारी बुराई नहीं हो रही है तो तुम मरे हुए हो।